मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डूमरगंज में सेना के जवान आशुतोष की हत्या और उसकी दोस्त के साथ गैंगरेप आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आशुतोष सिंह अपनी महिला दोस्त के साथ निकले थे, इलाका सुनसान था और वह अपनी एक वहीं पर कुछ लड़के बैठे थे। आशुतोष उन लड़कों के आमने सामने को हटने को लेकर कहा सुनी हो गई। लड़कों ने आशुतोष के सर पर हमला कर दिया और उसको कार के पीछे की सीट पर डालकर लड़की के साथ अभियुक्तों ने रेप किया। इस वारदात के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धूमनगंज पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी थी। पुलिस ने हत्या और गैंगरेप के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने घटना की पूरी बात कबूल भी कर ली है। पुलिस के मुताबिक फौजी से झगड़ा 2 लोगों से हुआ था। बाद में इन लोगों ने अपने 5 और साथियों को बुला लिया था, जिन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आशुतोष की हत्या के बाद जब लड़की ही 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी थी, इसके बाद फौजी आशुतोष के परिवार के लोगों ने लड़की पर ही साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि पुलिस की विवेचना में लड़की के साथ गैंगरेप की बात सामने आई है और हथियारों ने भी जुर्म कबूल कर लिया। 12 तारीख की रात में थाना धूमनगंज में एक सूचना आई थी, आरंभिक सूचना 112 के थ्रू आई थी और कि वहाँ पे बिश्नापुरी के पास में कुछ लड़के हैं, जो जिस महिला ने फ़ोन किया था, जिस लड़की ने, वो बताया कि वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और ये रेप कर दें, जल्दी फोर्स भेजिए। इस सूचना पर तत्काल परिजन, इसके पहले उन्होंने परिजनों को भी फ़ोन कर रखा था मृतक आशुतोष के पत्नी को, तो उनके परिवार के लोग फोर्स सारे लगभग वहाँ पर जल्दी ही पहुँच गई और वहाँ जा कर के तत्काल देखा गया तो आशुतोष सिंह काफ़ी गंभीर हालत में सीट पे पड़े हुए थे, सर पे खून आ रहा था। उनको भेजा गया अस्पताल जहां पे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक तहरीर उनके पिताजी की तरफ से आई, अशोक सिंह की तरफ से, जिसके आधार पर 302 और 120 बी का अभियोग पंजीकृत किया गया। उसमें उन्होंने जो साथ में गई हुई लड़की थी उसको आरोपित भी किया कि उस पर हमें संदेह है कि वो घर के पास में थोड़ी दूर पर रहती है और घर पर आना जाना था और वो भी वही लेकर गई थी आशुतोष सिंह को, और वहीं इनकी वजह से ही यह हत्या हो गई। क्योंकि मौके की परिस्थितियां, तत्काल सभी पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण सभी मौके का इंस्पेक्शन किए, फील्ड यूनिट गई थी, वहां के सीन के आधार पे मौके के एक सीधा सा मुझे आई विटनेस लड़की ही थी, उसके बयान लिया गया, उसके आधार पर हम विवेचना की सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। उसमें क्राइम ब्रांच, सर्विलांस की टीमें, SO करेली और CO2 साहब के नेतृत्व में थाना धूमनगंज की पूरी फोर्स लगी, कई टीमें बनी और उसमें सफलता मिली है कि उसके 7 लोग जो घटना में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है आज, और उन्हें 302, 120 बी और 376 डी के तहत जेल भेजा जा रहा है। घटना में जो इनके द्वारा पूछताछ में जानकारी मिली तो मालूम चला घटना पे मौके पे पहले ये 2 लोग थे, फिर फ़ोन करके 5 लोगों को और बुलाए और वहाँ जब 7 लोग हो गए तो उस कार के पास पहुँचे जहाँ स्वेच्छा से दोनों लोग पिछली सीट पर बैठे हुए थे, लड़की और वो आशुतोष सिंह, उनसे कहा सुनी शुरू कर देते हैं और उस कहा सुनी में बात इतनी बढ़ जाती है कि वो ईंटे से उन पर प्रहार करते हैं। फिर इनसे पूछताछ और जो आरंभिक तौर पर पीड़िता से भी बात की गई थी, यद्यपि उन्होंने कई बार उसमें चेंज किया अपने कथन को, उसमें भी ये बात की पुष्टि हुई कि इसमें उनके साथ दुष्कर्म की घटना जरूर हुई थी। जो आज ये मुलजिम जो गिरफ्तार हुए इन्होंने भी उसकी पुष्टि की है। पीड़िता को भेजा गया था मेडिकल परीक्षण के लिए, वहाँ पर उन्होंने मेडिकल कराने से और घटना होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था तो कोरोना में वो पॉजिटिव आ गई तो क्वारंटाइन है। मैंने CMO साहब से फिर अनुरोध किया है कि वो दोबारा उनकी सहमति लेकर के उसका मेडिकल कराएं और जैसे ही वहाँ से वो निगेटिव हो जाती है तो हम 164 का कथन भी कराएंगे माननीय न्यायालय में। अभी तक हमारी बिल्कुल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई ठीक से की गई है और हमारे पास इतना एविडेंस है कि निश्चित तौर पर हमें इन्हें न्यायालय से सजा कराएं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।